दोस्तों, आदि पुरुष को रिलीज होने में अब बस कुछ ही दिन बाकी रह गए। फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया। ट्रेलर को मिक्स्ड रिस्पांस मिले। कुछ लोग इसे अच्छा कह रहे हैं तो कुछ लोग इसे बुरा कह रहे हैं। हालांकि फिल्म के गाने कई लोगों को काफी पसंद आ रही है। प्रभास की पिछली दो फिल्में राधे श्याम और साहू बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही थी। हालांकि साहू सिर्फ हिंदी वर्जन में हिट रही थी। आदि पुरुष का बजट बहुत ज्यादा है, जिसके कारण इस फिल्म के ऊपर भी फ्लॉप होने का खतरा मंडरा रहा है। एक तो इस फिल्म की ट्रोलिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है, जिसके चलते लोगों के अंदर फिल्म को देखने का इंटरेस्ट भी कम हो रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस फिल्म का बजट तकरीबन 500 करोड़ है। इस फिल्म को हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में 16 जून को रिलीज किया जाने वाला है। आदि पुरुष में प्रभास ने राम का रोल निभाया, तो सीता का रोल कृति सेनन ने निभाया। सनी सिंह ने लक्ष्मण का, देवदत्ता नागे ने हनुमान का और सैफ अली खान ने रावण का रोल निभाया। इनमें से बस कृति सेनन और सैफ अली खान अपने रोल में सही फिट बैठे, बाकी सब सही नहीं लग रहे। इस फिल्म में प्रभास का कैरेक्टर तो बाहुबली जैसा लग रहा है। और खास बात यह है कि इस फिल्म में भी शरद केलकर ने प्रभास के लिए हिंदी डबिंग की है। ये फिल्म इसी साल 25 जनवरी को रिलीज होने वाली थी और शाहरुख खान की फिल्म पठान के साथ क्लैश होने वाली थी, लेकिन जब फिल्म का पहला टीजर रिलीज किया गया तब इस फिल्म को काफी क्रिटिसाइज किया गया। VFX और कैरेक्टर्स का लुक का बहुत ज्यादा मजाक बनाया गया, जिसके चलते मेकर्स ने फिल्म में थोड़ी चेंजेस करने का फैसला किया और फिल्म को पोस्टपोन कर दिया। अब ये फिल्म रिलीज होने को तैयार, जल्दी फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू कर दी जाएगी। दोस्तों, अगर बात करें स्क्रीन काउंट की तो इस फिल्म को इंडिया में 6,500 स्क्रीन से भी ज्यादा के साथ रिलीज किया जा सकता है, तो ओवरसीज में 1,500 स्क्रीन से भी ज्यादा के साथ रिलीज किया जा सकता है। कुल मिलाकर इस फिल्म को दुनिया भर में लगभग 8,000 से भी ज्यादा स्क्रीन के साथ रिलीज किया जाएगा। दोस्तों, अगर बात करें कलेक्शन की तो ये फिल्म अपने पहले दिन में सिर्फ हिंदी वर्जन में ही 25 से 30 करोड़ की रेंज में नेट कलेक्शन कर सकती है, तो ऑल इंडिया में 60 से 65 करोड़ की रेंज में नेट कलेक्शन कर सकती है। ये फिल्म पहले दिन में वर्ल्ड वाइड में 90 से 95 करोड़ की रेंज में कलेक्शन कर सकती है। ये फिल्म वर्ल्ड वाइड में 100 करोड़ भी कमा सकती है, अगर रिव्यूज अच्छे आते हैं तो। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से फिल्म अपने पहले दिन में इंडिया में कितना कलेक्शन करेगी और वर्ल्ड वाइड में कितना कलेक्शन करेगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसी बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।